Let's move the party at the full bass. Start it up and watch your music loud. Bass, I'll turn up to me, you're looking at the side. Waiting all of them. ओए संटो, हाँ बोल। देख तेरी शकल में लाई है। बेटा मोहित, अब तो तू गया। और ये टूटी सोंटू की नाक। बेटा अब तुम देखोगे मेरे गुस्से की बात। ओए अब देखो सोंटू को आ रहा है गुस्सा। अबे ओ दूसरों को छोड़, तू बच के रही हो मुझसे। ओ मैं तो डर गई। हाय कितना प्यारा है, टाई भी कितने अच्छे से बांध के आया है, क्यूट है। ओए सुन ना, मैं से प्रपोज कर दूँ क्या? क्यों बकवास कर रही, तुझसे नहीं पटेगा वो। पागल है क्या तू, चुड़ैल। देखो देखो भाई लोगों, उनकी बहनों फ्री का एंटरटेनमेंट चल रहा है। हाँ भाई देख रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से प्रोग्राम करो। भाई तुझे बहुत मौज लेने का मन हो रहा, तो तू क्या चाहता है ना लूं? श्रुति तू इसकी क्या सुन रही है, लगा खींच के कैसे हाथ लगा देगी? प्रिया हम तेरे साथ हैं। ओ श्रुति इतनी बड़ी बेइज्जती। अबे सही में यार, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। ये नहीं लड़ेंगी, इनके बस की नहीं है। तो तुझे क्या मतलब है वो लड़े या ना लड़े? मुझे मतलब है, मुझे मजा आएगा देखने में। और क्या, मजे ही तो लेने हैं। श्रुति तू फालतू मत बोला कर, अपने लिमिट में रहा कर। तू तो लिमिट की बात ही मत कर। अरे चुप हो जा तुम दोनों, वरना टीचर आ जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है सब? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। हाँ मैं बता क्या हो रहा है। हाँ बताओ। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा। क्यों कुछ नहीं हो रहा है? अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा है। श्रुति और मैं तो इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस बार मूवी कौन सी देखनी है। क्या? अरे श्रुति तू टेंशन मत ले, मैं दिखाऊंगी तुझे मूवी, और मूवी देखने के बाद हम दोनों पार्टी भी करेंगे। पक्का? हाँ पक्का। क्या पक्का पक्का? अभी तो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ रही थी और अभी पक्का पक्का कर रही है। तू मत बोल गोरव, तुझे क्या मतलब हम लड़े या ना लड़े? अबे यार इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी लड़ाई क्यों कर रहे हो? आदित्य तुम चलोगे हमारे साथ मूवी देखने? नहीं मैं नहीं आ रहा। अरे हमें भी ले चलो, हम भी फ्री है। नो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अबे यार ये फिर आ गए दिमाग चाटने के लिए। इसको खुद तो चैन है नहीं, हमको भी जीने नहीं देती। अब पता नहीं क्या बकवास करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है हमारा स्कूल बहुत पॉपुलर है हर जगह, और हमारे स्कूल के बहुत दूर दूर तक भी चर्चे हैं। हमारे स्कूल में बहुत दूर दूर से बच्चे एडमिशन लेते हैं। हमारे स्कूल में एक न्यू एडमिशन आया है समुंदर पार से।
कहाँ खो गए सब? ओहो ब्यूटी भाई भाई तुम्हारी भाभी मिल गई। ये क्या आइटम है? कीप साइलेंस। जीजू तुम जाओ पूजा और पूनम के पास में जाके बैठो, वो ही दोनों क्लास की सबसे अच्छी बच्चियां हैं। ओके मैम। सभी बच्चे बैठ जाओ एक साथ। मैगन मैम कहाँ घूम रहे थे तुम दोनों? मैं वो ना हम लोग पानी पीने गए थे। शट अप, पानी पीने में इतना टाइम लगता है? मुझे 15 मिनट हो गए क्लास में आए हुए। मैम अंदर आ जाए। आशीष तुम तो अच्छे लड़के हो ना, उसके साथ क्यों घूमते हो बाहर? मैम मैं घूम नहीं रहा था, वो कुछ एक्चुअली कुछ काम था बाहर। नहीं मैम ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये हर 10-15 मिनट में पहले बाहर घूमते हैं फिर क्लास में आते हैं। तुम्हारी क्लास का मॉनिटर भी तुम्हारी शिकायत कर रहा है, क्या चल रहा है इस क्लास में? सॉरी मैम आगे से नहीं होगा। ठीक है आगे से ध्यान रखना। आ जाओ अंदर। अजय वेरी गुड, बैठ जाओ। ओके बच्चों मैं जा रही हूँ अपने केबिन में, अब कोई शोर नहीं करेगा और ना न्यू स्टूडेंट को कोई परेशान करेगा। हाय पूजा, तुम क्लास की टॉपर हो? हाँ मैं क्लास की टॉपर हूँ। तो हे व्हाट्स योर नेम? मुझसे तो चेक होने की जरूरत है नहीं। यदि यार मेरे को लगता है मेरे को सच्चा वाला प्यार हो गया। ये पागल हो गया क्या तू? क्यों मुझे प्यार नहीं हो सकता? किससे प्यार हो गया तुझे? अरे यार वो बाहर से जो लड़की है ना, मुझे उससे प्यार हो गया। भाई ये जो बाहर से लड़की है ये सिंगल तो होगी ना? हाँ भाई सिंगल होगी। तो फिर तेरी भाभी सेट है मुझसे? एक मिनट, सबे साले वो तेरी भाभी है। अबे वो तू किसकी बात कर रहे है? अरे तेरे भाभी की, वो जो लड़की है ना अपनी क्लास में बाहर से, उसी की बात कर रहा हूँ। अबे सुन क्लास का मॉनिटर हूँ मैं, भाभी होगी तेरी। ऐसे कैसे भाभी? क्या हो रहा है क्लास में? किसका पीरियड है ये? शोर क्यों कर रहे हो इतना तुम लोग? अजय किसका पीरियड है? मैम हिंदी वाले सर का पीरियड है। कोई बच्चा शोर नहीं मचाएगा क्लास में जब तक सर नहीं आते। ओके अरे यार वो जो न्यू लड़की आई है समुंदर पार से हमारी क्लास में, उसे इंप्रेस कैसे करें? यार उसको इंप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। भाई मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया बताना मुझे। तुझे ना स्कूल बंक करना पड़ेगा। स्कूल बंक? हाँ। देख तुझे क्या करना है, तुझे ना चॉकलेट और फ्लावर लेके बाहर खड़े हो जाना है। जैसे स्कूल की छुट्टी होगी ना तेरा भाई तुझे सहारा कर देगा, बस तू सबके सामने प्रपोज कर दियो उसको और फिर वो देख तेरे प्यार में डूब जाएगी। चलो ठीक है। यार कहीं सही पागल बनाया तूने उसका। जिन सर का आज क्लास है उन्होंने आज टेस्ट लेंगे। क्या आज टेस्ट है? लेकिन आज तो मेरे पहले दिन है, मैं टेस्ट कैसे दूंगी? टेस्ट है तो मैं क्या करूँ, मैं तो अपना पढ़ के आई हूँ। वही बात और विनय से ना दूर रहा कर ठीक है। अरे यार देखो ना आज हमारा टेस्ट है ना और हमने कुछ भी नहीं किया, हमको आज कैसे करके अपना टेस्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आज गए। गाइस एक आइडिया, हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या आइडिया है बता जल्दी से। हम लोग ना एक काम कर सकते हैं, हम सब में से कोई एक जना चक्कर खा के सर के सामने गिर जाएगा, फिर सर उसको मेडिकल रूम भेजेंगे और टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। भाई लेकिन हम में से बेहोश कौन होगा? हम में से बेहोश वो होगा जो आज पढ़ कर आया होगा। हाँ पढ़ के आई है ना ये? हाँ पढ़ के आई हूँ तो मैं बेहोश नहीं होने वाली ठीक है। अच्छा ठीक है मैं रेडी हूँ। अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने, आज आप लोगों का टेस्ट है ना, चलो अपनी अपनी टेस्ट को भी निकालो। अरे आप तो इस क्लास में मुझे नहीं लग रहे हो, आपका एडमिशन कब हुआ? यस सर मेरी आज ही एडमिशन हुआ है, मैं जापान से आई हूँ। ओहो जापान, अब इतने दूर से आए हो, क्या बात है। यस सर। तो बच्चों अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सर। हाँ बोलो। मुझे ये पूछना था कि
सर। अरे बेटा पूनम, क्या हुआ तुझे? पूनम, अरे बोलो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कोई पानी लाओ। सर लगता है पूनम बेहोश हो गई, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। सर इनको जल्दी से मेडिकल रूम पे लेके चलो, नहीं तो और कोई दिक्कत हो जाती तो। तुम सही बोल रही हो, इसको लेके चलते हैं जल्दी, वरना और कुछ हो गया तो। Hey everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए. Celebrity Face के back to back new web series आ रही है. School के best days आ चुका है. Father and son की story आ रही है. मेरी एक already running है. 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं. और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की. यहाँ पे आपको day one से ही हम acting camera के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके perform करो. बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें. हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में. सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से. फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ. मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में. ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल. थैंक यू.